दुनिया भर में अनेकों ऐसी जगह है जो रहस्यों से भरी पड़ी है। इनमें से कई जगहों के रहस्यों को वैज्ञानिक आज तक जरा भी नहीं सुलझा पाए। कई जगहों के रहस्यों को आंशिक रूप से सुलझा सके हैं। हालांकि अंतिम नतीजे पर पहुंचने के लिए अभी रिसर्च जारी है। आइए जानते हैं 10 ऐसी जगहों के बारे में। ब्लड फॉल्स अंटार्कटिका। अंटार्कटिका का टेलर ग्लेशियर पर जमी बर्फ में एक ऐसी जगह भी है जहाँ से लाल रंग का झरना बहता है। इसे देखकर ऐसा लगता है कि इस झरने से खून बह रहा हो। हालांकि वैज्ञानिकों ने इस पर कई शोध किए लेकिन कोई निश्चित नतीजा नहीं निकल पाया। उनका यह अनुमान है कि इस जगह बर्फ के नीचे शायद लोह तत्व की अधिकता है जो कि पानी को लाल रंग देते हैं। हालांकि यह लाल झरना अभी भी रहस्य बना हुआ है। मैग्नेटिक हिल्स मॉकटन न्यू ब्रंसविक। यह मैग्नेटिक हिल अपने आप में खास है। इस हिल पर ऐसा मैग्नेटिक प्रभाव है कि बिना स्टार्ट किए ही गाड़ी चलने लगती है। इस हिल का पता सन 1930 में चला था। इस जगह के रहस्य के बारे में पता लगाने का काम अभी भी जारी है। यह जगह एक टूरिस्ट प्लेस बन चुका है। हमारे भारत के लद्दाख क्षेत्र में भी एक मैग्नेटिक हिल है जहां गाड़ी न्यूट्रल में होने के बावजूद भी चढ़ाई पर चढ़ जाती है। शॉर्ट से आइसलैंड। आइसलैंडिक आइलैंड भी किसी रहस्य से कम नहीं। सन 1963 से पहले इस आइलैंड का अस्तित्व ही नहीं था। 1963 में यहाँ पर पानी के अंदर से अचानक एक ज्वालामुखी फटा। ज्वालामुखी में लगातार 1967 तक विस्फोट होते रहे और साथ ही ज्वालामुखी का आकार और ऊंचाई बढ़ती रही। सन 1967 में जब वोल्केनो बिल्कुल शांत हुआ तो यहाँ पर एक आइलैंड बाकी रह गया। मोराकी पत्थर न्यूजीलैंड। साउथ आइलैंड न्यूजीलैंड के ईस्ट कोस्ट में स्थित कोहे बीच पर 12-12 फीट के पत्थरों का ढेर किसी अजूबे से कम नहीं है। यह पत्थर दिखने में सीप और मोती की तरह है। इस पत्थरनुमा संरचना का निर्माण लाखों साल में किसी जीवाश्म ठोस चीज के चारों ओर समुद्री रेत के जमने से हुआ है। ऐसी संरचनाएं विश्व में कई जगह पाई जाती है पर यहाँ पर यह संरचना सबसे बड़े आकार में पाई जाती है। लॉन्गयीयरबेन नॉर्वे। स्वालबार्ड आर्कटिक सागर के ग्रीनलैंड में नॉर्वे द्वीप समूह है। इस जगह के बारे में कहा जाता है कि यहाँ 20 अप्रैल से 23 अगस्त तक सूरज अस्त ही नहीं होता। रात हो या दिन सूरज दिखता ही दिखता है। पमुककले तुर्की। तुर्की के पमुककले में स्थित यह जगह अपने आप में एक अजूबा है। यहाँ पर 17 प्राकृतिक हॉट स्प्रिंग्स हैं। यह प्राकृतिक गर्म पानी के झरने यहाँ पर हजारों सालों से है। इन झरनों के पानी में स्थित खनिजों के भारी हवा के संपर्क में आने से कैल्शियम कार्बोनेट बनता है जो कि हजारों सालों से इन झरनों के किनारों पर जमा हो रहा है जिससे इन झरनों ने स्विमिंग पूल जैसा आकार ले लिया है। इन हॉट स्प्रिंग्स में पानी का तापमान 37 डिग्री से 100 डिग्री के बीच रहता है। इस तरह के प्राकृतिक गर्म पानी में नहाना हमारे शरीर खासकर त्वचा के लिए विशेष फायदेमंद रहता है, इसलिए यहाँ पर काफी संख्या में लोग नहाने आते हैं। इंटरनल फ्लेम फॉल्स आर्चर्ड पार्क न्यूयॉर्क। यहाँ पर एक छोटा सा झरना बहता है जिसमें एक जलती हुई लौ दिखाई देती है। देखने वालों को आश्चर्य होता है कि आखिर यह लौ जल कैसे रही है। शोध करने के बाद वैज्ञानिकों को पता चला कि वहाँ पर चट्टानों के नीचे से मीथेन गैस निकलती है। संभवतया 20वीं शताब्दी की शुरुआत में किसी ने इस मीथेन गैस में आग लगा दी, तब से लगातार यह जल रही है। भारत में भी हिमाचल के कांगड़ा में स्थित माता के एक प्रमुख शक्तिपीठ ज्वालामुखी देवी के मंदिर में 9 प्राकृतिक ज्वाला प्राचीन काल से निरंतर जल रही है। खिसकते पत्थर डेथ वैली कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया के डेथ वैली में कुछ पत्थरों का खुद ब खुद खिसकना नासा के लिए भी अबूझ पहेली बनी हुई है। रेस ट्रैक प्लाया 2.5 मील उत्तर से दक्षिण और 1.25 मील पूरब से पश्चिम तक बिल्कुल सपाट है, लेकिन यहाँ बिखरे पत्थर खुद ब खुद खिसकते रहते हैं। यहाँ ऐसे 150 से भी अधिक पत्थर हैं, हालांकि किसी ने उन्हें आँखों से खिसकते नहीं देखा। सर्दियों में ये पत्थर करीब 250 मीटर से ज्यादा दूर तक खिसके हुए मिलते हैं। 1972 में इस रहस्य को सुलझाने के लिए वैज्ञानिकों की एक टीम बनाई गई। टीम ने पत्थरों के एक ग्रुप का नामकरण कर उस पर 7 साल अध्ययन किया। केरिन नाम का लगभग 317 किलोग्राम का पत्थर अध्ययन के दौरान जरा भी नहीं हिला, लेकिन वैज्ञानिक जब वहाँ कुछ साल बाद वापस लौटे तो उन्हें केरिन को 1 किलोमीटर दूर पाया। अब वैज्ञानिकों का यह मानना है कि तेज रफ्तार से चलने वाली हवाओं के कारण ऐसा होता है। ओल्ड फेथफुल येलोस्टोन नेशनल पार्क। येलोस्टोन नेशनल पार्क में दुनिया के सबसे ज्यादा प्राकृतिक गीजर मिलते हैं। प्राकृतिक गीजर एक तरह से गर्म पानी का फव्वारा होता है पर जिसमें पानी जमीन के अंदर से एक फाउंटेन के रूप में निकलता है। इस पार्क में करीब 300 प्राकृतिक गीजर हैं, लेकिन इन सब में सबसे प्रसिद्ध है ओल्ड फेथफुल। यह दुनिया का सबसे ऊंचा गर्म पानी का फव्वारा है। इसमें नियमित रूप से विस्फोट
होता रहता है, लेकिन इनमें होने वाले विस्फोट का मिजाज आज तक भूगर्भ शास्त्रियों के लिए पहेली बना हुआ है, क्योंकि इनमें होने वाले विस्फोट का कोई निश्चित क्रम नहीं है। रेले मपागो डेल कटाटुम्बा ओलोगो वेनेजुएला। वेनेजुएला के पश्चिम दक्षिण क्षेत्र के किनारे मारा केबो लेक है। इस झील के कोनों में पहाड़ों के ऊपर दुनिया की सबसे तेज आवृत्ति से बिजली चमकती है। यहाँ पर प्रति वर्ग किलोमीटर हर साल 250 बार बिजली चमकने का रिकॉर्ड है। बिजली चमकने का पीक टाइम मई और अक्टूबर है, जब यहाँ पर हर रात 200 से ज्यादा बार बिजली चमकती है। इस झील के पास से गुजरने वाले अक्सर इस नज़ारे को देखते हैं।